ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जैसा कि हमने आपको दो तीन दिनों पहले यह दिखाया था कि सिवान की जो दाहा नदी का पुराना पुल है वो टूटने के कगार पे, यानी कि उसे सरकार के निर्देश पे तोड़ा जाएगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि हम उस जगह पे एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पुल पे जाने वाले रास्ते को बिहार सरकार के निर्देश पे इसे बंद कर दिया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे कार्य चल रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पुल, दाहा नदी पुल जो पुराना पुल था उसी रास्ते को ये जाता है, लेकिन 1995 में ही इसकी जो इसका समय था वो समाप्त हो चुका। उसके बाद से नए पुल निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर के आज जो है कि अब पुल को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा चुका है। यानी कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है जिसपे आना जाना होगा। जो नया पुल है दाहा नदी का, आप देख सकते हैं उसी पुल से आना जाना होगा, उधर से ही चाहे जाने का हो या फिर आने का हो, क्योंकि अब जो पुराने पुल का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद किया जा चुका है। तो आपको हम बता रहे थे दो दिनों पहले भी कि किस तरीके से कि बिहार सरकार के द्वारा एक नए साल का सिवानवासियों को तोहफा है। हालांकि बिहार में कई पुल को बनाने का निर्णय लिया गया और सिवान में भी जो पुराना पुल है जो 1995 में ये समाप्त हो गया था, इसकी अवधि समाप्त हो गई थी और 25 साल ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसके बाद बिहार सरकार ने थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन उसके बाद से जो अहम फैसला लिया कि पुल जो है ये नया बनेगा और आज इस पुल को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि कार्य जो है प्रगति पर है। तकरीबन 1.5 साल लगेंगे इस पुल को बनने में जो समय है, लेकिन देखना है कि क्या कब तक पुल पूरा होता है। फिर देखिए कि एक बार फिर से आपको दिखा दें कि रास्ते को ब्लॉक किया जा चुका है, क्योंकि अब जो है कि वो काम चल रहा है और काम को लेकर के किसी तरह की कोई घटना ना घट जाए इसको लेकर के प्रशासन के निर्देश पर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। आने जाने का जो अब रास्ता होगा वो सिर्फ एक ही रास्ता होगा आने जाने के लिए, लेकिन इस पर क्या कुछ सरकार या फिर प्रशासन पहल करती है वो हम आपसे बात करने के बाद ही बताएंगे। कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये बताइए कि ये जो पुल को यहाँ पे जैसे कि रास्ते को बंद किया गया है तो क्या लग रहा है, ये कब से काम शुरू हो जाएगा, कुछ जानकारी है आप लोग? 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा, हो जाना चाहिए जी, 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। तो क्या कुछ दिक्कतें भी हो सकती है, एक तरफ का रास्ता बंद हो गया दूसरे तरफ का? हाँ, दिक्कत तो होगी सर, जाम लगने का वाले ये थी है, जाम की समस्या बढ़ सकती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को इसको मतलब आकर देखना चाहिए, इसको सुधार कराना चाहिए, इस पर कुछ पहल करना चाहिए कि जाम ना हो। हाँ, जाम ना हो। अच्छा, आने जाने के लिए क्या अब कौन से रास्ते हैं? बस एक तो वही रास्ता है, नया वाला पुल। ये पुराना वाले से तो अब कोई जाएगा ना? उस पर कोई नहीं आएगा जाएगा तो नहीं कोई आएगा। ये कब से ब्लॉक किया गया, कोई जानकारी? आज से ही ब्लॉक किया गया। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि आज से पुल जो है पुराने वाला जो पुल है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको दिखा दे नज़दीक आकर के कि यही वो दाहा नदी का पुराना जो पुल है जो ब्लॉक किया जा चुका है, और यही जो है पुराना दाहा नदी का रास्ता जाता था लेकिन इसे ब्लॉक किया जा चुका है। आपको बताते चले कि बिहार और उत्तर प्रदेश को भी जोड़ता है, लेकिन अब जो है इस रास्ते को जब ब्लॉक कर दिया गया तो दूसरा जो रास्ता है जो नया वाला पुल जो बना है उसी रास्ते से आने जाने का होगा। थोड़ी सी जाम की समस्या होगी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस पर क्या कुछ निर्णय लेता है ये बताएंगे। आप बताइए कि ये कब बंद किया गया रास्ता? सर आज से बंद है। आज से। तो क्या लग रहा है कि काम पुल तोड़ने का कुछ जानकारी है आप लोगों को, कब से शुरुआत होगी? नहीं तो मालूम नहीं है, लेकिन कह रहे हैं जल्द हो जाएगा, जल्द खुलेगा। हाँ, तो क्या कुछ दिक्कतें भी हो सकती है, जैसे कि जाम उम की समस्या हो सकती है? ये तो है, ये है इस तरह। दो गो था तो इतना जाम था, अगर एक है तो सिंगल जाम होना जरूरी है, है। लेकिन पुल के आगे यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप लोग सड़क पे ही दुकान लगा दिए हैं। तो कहाँ लगाए सर, हम लोग बाल बच्चा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो यहाँ भी जीना है, तो बंद है इसीलिए कहें यहाँ लगा दे। इस तरह रावण बंद है गाड़ी घोड़ा का, इसलिए कहें दुकान लगा कर दिए। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सिवान का जो दाहा नदी का जो पुराना पुल है अब उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि वो जो कार्य है वो प्रगति पे है और पुल को तोड़ करके नया पुल बनाना है, जिसको लेकर के काम शुरू किया जा चुका है और इस पुल को बंद कर दिया गया है। अब एक बगल में जो नया वाला पुल है
उसी से आने जाने का लोगों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जाम की समस्या उत्पन्न होगी और ऐसे में प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या बड़ी वाहनें इधर से आएंगी या फिर उसे कहीं बाईपास होकर के भेजा जाएगा, प्रशासन के लोगों से बात करने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार किस तरीके से आवागमन यहाँ पे लोगों की रहेंगी। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए टेवर नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप, साथ ही आप करे शादी देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग न्याज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग न्याज, सेकंड फ्लोर विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग न्याज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866 और 8789216171 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वटवृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वटवृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।